हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर थर्ड का एक टॉपिक एलसीएम को पढ़ने वाले हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एक ऐसा नंबर जो उन सब की टेबल में आता हो, उन नंबर्स का एलसीएम कहलाता है। इस टॉपिक को अपन लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको जो फाइंड करने की मेथड होती है वो होती है फैक्टराइजेशन। एलसीएम को हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 12 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो फर्स्टली हम इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 12 एंड 30, हमें पता है 3 टेन 30 होता है, 5 टू 10 होता है। यहाँ देखो 3 फोर 12 होता है, 2 टू 4 एंड 2 वन 2, ये हुआ। अब हम इनके फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे देखो ये कॉमन फैक्टर्स है ना, जो इनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे और बाकी के फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम आपका आ जाएगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 5। बस हम अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 60। तो इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 12 और 30 का, वो हो जाएगा हमारा 60। चलिए हम लोग इसी चीज को नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखेंगे। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो फिर सेम हम पहले इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ देखो 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, यहाँ 3 4 जा 2 2 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ये आया। अब हम इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये देखो ये कॉमन आ गए। तो इनको हम सिर्फ एक एक बार लिखेंगे तो एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 × 2, और इन दो को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे × 2 × 3। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 24। तो जो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 4, 8 और 12 का, वो आंसर आ जाएगा हमारा 24। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमें 60, 28, 36 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो अब हम लोग उस फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा वाइड करेंगे। हम इन चारों नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। तो हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 से 60 का डिवाइड 30 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 28 का डिवाइड 14 टाइम्स, 36 का डिवाइड 18 टाइम्स, और 45 सेम ही रहेगा। फिर हम 2 से ही ट्राई करेंगे तो 2 से 15 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 45 सेम रहेगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से 5 टाइम 15, 7, 3 3 से 9 और 3 से हमारा आ जाएगा 15 टाइम्स में 45। हम फिर इसको 3 से ही ट्राई करेंगे तो 5, 7, 1 एंड 5, देन हम 5 से और 7 से ट्राई करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर है ये आ जाएंगे हमारे फैक्टर्स 2, 2, 3, 3, 5 एंड 7। बस हम इसको एलसीएम निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है 2, 2 सा 4 होता है, 3, 3 सा 9 होता है, तो 4 × 9 × 5 × 7 हम ये कर देंगे। फिर हमें पता है 5 × 4 = 20 होता है और 9 × 7 = 63, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1260। ओके, आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे डिवीजन मेथड पर कि डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 28, 40 एंड 77। तो इसका एलसीएम हम डिवीजन मेथड की हेल्प से निकालेंगे। तो हम फर्स्टली इन सबको इकट्ठा पुट करेंगे उसमें। अब हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं जो है 2, 2 × 8 = 16, 2 × 14 = 28 एंड 2 × 20 = 40, 77 आ जाएगा। फिर हम 2 से ट्राई करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 10 = 20 एंड 77। अगेन 2 का यूज करेंगे तो 2 × 2 = 4,
टू फाइव्स आर 10 एंड 77. अब हम फिर 2 से ही करेंगे एक बार 7, 5 एंड 77. अब हम 5 से ट्राई करेंगे तो 1, 7, 1 एंड 77 बचा. अगेन 7 से तो 1, 1, 1 एंड 11. और लास्टली फिर हम इसको 11 से कर देंगे. ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स है वो क्या आया, 2, 2, 2, 2, 5, 7 एंड 11. बस एलसीएम के लिए इन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 किया हमने. हमें पता है 16 5 जा 80 होता है, इंटू 7 इंटू 11. और बस हमारा आंसर आ जाएगा 6160 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? अब आपको LCM समझ में आए होंगे कि हमें कैसे निकालने हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट और सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.